أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے يوم القيامة وزنا صدق الله العظيم سبحان اللہ میرے بھائیو دوستو بزرگو انسان اگر صحیح راستے کی محنت کرے تو تھوڑی محنت پر بہت نفع کما سکتا ہے کامیابی کما سکتا ہے لیکن اگر اس کی محنت کا راستہ صحیح نہیں ہے تو بہت زیادہ محنت کر کے بھی وہ کچھ نہیں کماتا ہر انسان کے اندر کی فطرت ہے وہ کامیابی چاہتا ہے اور اللہ رب العزت بھی اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے انسان کی فطرت کو جانتے ہیں اور یہ فطرت کی پہچان جو ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ فَدْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تیری شاہرگ سے بھی تجھ سے زیادہ قریب ہوں یعنی انسان کی کامیابی اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ میں تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں یعنی تیری کامیابی تیری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے ہاں اب اگر یہ انسان اب یہ ایک سچ ہے چاہے کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے جس رب نے اس انسان کو بنایا جس رب نے اس انسان کی فطرت میں کامیابی کے حصول کے مادے کو ڈالا وہ کہہ رہا ہے میں تجھ سے تیری شارق سے زیادہ قریب ہوں جس کامیابی کو تو ادھر ادھر ڈھونڈ رہا ہے وہ تیری شارق سے زیادہ تیرے قریب ہے اپنی محنت کا راستہ ٹھیک کر لے اور وہ محنت کیا ہے
वो मेहनत ये है कि तू दुनिया में आने के बाद इंसान बन जा, क्योंकि तू मेरी बेहतरीन तखलीक है। लकद खलक नल इंसान फी अहसनी तकवीम, मेरे बंदे अगर तू इंसान बन गया तो तुझसे बेहतर मेरी कोई तखलीक नहीं, और अगर तेरी मेहनत गलत हुई और तू इंसान न बना, थुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर तू जानवर से भी ज्यादा बदतर है मेरे नजदीक। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह फरमा रहे हैं, इनसे कह दें कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अखसरीन अअमाला, हम तुम्हें बताएं उन लोगों के बारे में जो मेहनत कर 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 खत्म हो गए हैं लेकिन कुछ नहीं कमा रहे। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक राहिब को देखा, एक ईसाई राहिब को देखा और रोना शुरू कर दिया। आपने किसी ने पूछा, हजरत इसको देखकर क्यों रो रहे हैं? कहा दुनिया में तकलीफ उठा रहा है, दुनिया में इतनी तकलीफें उठा रहा है और आखिरत में भी इसको कुछ नहीं मिलना, क्यों? इसकी मेहनत का रास्ता गलत है, मेहनत सही नहीं कर रहा। मेहनत तो कर रहा है। वह अल्लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, मिलेगा इनको वही जिस लाइन की मेहनत करेंगे। मेहनत गलत कर रहे हैं इन। तो अंबिया क्या करते थे? इंसानों को सही रास्ते की मेहनत सिखाते थे। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहे हैं कि वो लोग जिनकी सही दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई, वो ये समझे बैठे हैं कि बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत फायदे की चीजें कर रहे हैं, उन्हें बताओ, वो अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये वो लोग हैं। फिर अल्लाह बाद में फरमा रहे हैं कि ये वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो नबी की बात को नहीं सुनते, ये अपनी मर्जी चलाते हैं। जब इन्हें कहा जाए ऐसे कर लो, कहते हैं कहां लिखा है, कहां लिखा है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत नहीं फरमा रहे, मैं समझाने को आपको समझा रहा हूं। अल्लाह तो ये फरमा रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों और उसके सामने जाने से इनकार किया, तो उनके सारे आमाल जाया हो गए, क़यामत में उनके आमाल का कोई वजन नहीं होगा। मेरे दोस्तों, थोड़ी देर के लिए रुक के सोचो, दुनिया की जिंदगी ये गुजारने के लिए नहीं है, ये एक बहुत खूबसूरत आखरत बनाने के लिए है। दुनिया की जिंदगी सिर्फ माहो साल गुजारने के लिए नहीं है, ये एक शानदार मौत बनाने के लिए है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मौत से पहले पहले हमारी आंखों को खोल दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं जरा थामना। खाली दामन लिए अजीजाने गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के अंदर इंसान को हालात का मामूर बनाया है। हालात इसके बस में नहीं होते, हालात मिन जानिब अल्लाह आते हैं। मा असाब बिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, तुम पर जो हाल आता है अल्लाह के इज़्न से आता है। हाँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है ना। तो इंसान हालात सही नहीं कर सकता, इंसान ने उन हालात में करना क्या है वो अल्लाह और उसके रसूल बताते हैं कि क्या उसमें क्या करना है। जैसे मिसाल के तौर पर अब हर एक चाहता है कि उसकी बच्चियों को अच्छे रिश्ते आएं। यहाँ एक हमारे भाई साहब फरमाते हैं कि बच्चियों के रिश्ते के लिए परेशान हूँ, नहीं हो रहे उनके लिए। हाँ, तो इसके लिए ये भी हो सकता है कि कोई नज़र लगी हुई हो, इसके लिए ये भी हो सकता है कि किसी हासिद ने कुछ किया हो। तो इसके लिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है ये दो मसनून नाम, ये मसनून वज़ाइफ में से अल्लाह के दो नाम हैं, या फत्ताहो या मुजीबू, ए खोलने वाले ए कबूल करने वाले। अच्छा, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद 100 दफ़ा या फत्ताहो
या मुजीबू। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, जब ये पढ़ते हैं ना, तो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ा करें, जैसे आप वाकई किसी के सामने अपने उजर को रख रहे हैं। दुआ क्या है? अल्लाह के आगे भीख मांगना। हाँ, भीख कैसे मांगी जाती है? कभी देखा है आपने आपकी खिड़की के ऊपर जो खटखटा रहा होता है, लेके छोड़ता है आपसे? हाँ, उससे सीखो दुआ कैसे होती है। मैं तो उसको देखता हूं, मांगे ही जाएगा, आप नहीं देखेंगे उसकी तरफ, खटखटाए जा रहा है, मांग के लेके ही छोड़ेगा आपसे। अल्लाह से ऐसे मांगो, वो तो वराउल वरा है, दे के छोड़ेगा। जी, शादी को कई साल हो गए, औलाद की नेमत से महरूम हूं। अल्लाह के दो बाबरकत नाम हैं, एक या खालिक, दूसरा या मुसव्विर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसनून वज़ाइफ में से भी ये दो नामों का वजीफा है, किसी एक नमाज के बाद या खालिकु या मुसव्विरु 100-100 दफ़ा पढ़ लीजिए, अल्लाह से दुआ करिए। जैसे मैंने बताया दुआ मांगने का हक है, वैसे करिए, अल्लाह आपको सालेह औलाद से ज़रूर नवाजेगा इंशाअल्लाह। अमजद भाई पिशावर से लिखते हैं, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बच्चे मेरा ख्याल नहीं करते, कोई वजीफा बता दें। हाँ हाँ, इसके लिए ये मेरे नबी की दुआ है, कुरान में भी ये दुआ है, व असलिह ली फी ज़ुर्रियती इन्नी तुबतु इलैका व इन्नी मिनल मुस्लिमीन। आपके टेलीविजन्स पे आ रही है सूरह अहकाफ की आयत नंबर 15, ये 26वें पारे की पहली सूरत है, सूरह अहकाफ, इसकी आयत नंबर 15। नमाज के बाद इसको पढ़ के दुआ करिए, इंशाल्लाह आपकी औलाद आपकी बन के रहेगी। हाँ, और इलियास भाई एबटाबाद से लिखते हैं, मैं अपने हर काम में अकेला पड़ जाता हूँ, कोई मुआवनत नहीं करता, कोई वजीफा बता दें। फ़इन्ना हस्बकल्लाहु हुवल्लज़ी अय्यदक बिनस्रिही वबिल मुमिनीन। ये सूरह अनफाल की आयत नंबर 62 है, आपके टेलीविजन पे आ रही होगी सूरह अनफाल की आयत नंबर 62। बेशक आपके लिए अल्लाह काफ़ी है, वही है जिसने आपको अपनी मदद के ज़रिए और अहले ईमान के ज़रिए ताकत बख्शी। ये दुआ पढ़िए, इंशाल्लाह आप अकेले नहीं रहेंगे। और आखिर में करीम भाई रानीपुर से पूछते हैं, मेडिकल का तालिब इल्म हूँ, हुसूल इल्म का कोई वजीफ़ा बता दीजिए। सूरह निसा की आयत नंबर 113, वअल्लमका मा लम तकुन तअलमु वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और उसने आपको वो सब इल्म अता कर दिया है जो आप नहीं जानते थे, और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। जैसे दुआ करने का हक है वैसे दुआ करिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी आपकी हर हाजत को अपनी कुदरत से पूरा फरमाए। लाहे आमीन। जी वसीम भाई, सर आज शबे जुमा, ठीक, अरे हाँ, रमजानुल मुबारक की पहली जुमतुल मुबारक की इब्तदाई सातों में हम हैं, तो आज इंशाल्लाह ज़्यादा लुत्फ आएगा। और वो कलाम जो कि मैंने बड़े अरसे से मैं मुंतजर था कि कब पढ़ते हैं, वो उसी के भी आज प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा, कौन सा? इंशाल्लाह वो जो पढ़ते हैं, मौला मेरे मौला। शुरू करें, ये बस चलते हैं और जरा महफिल को जरा बाकायदा तौर सारी मैं चेहरे पे लिख के तुमसे क्या मांगूं, तुम खुद ही समझ लो, मौला मेरे मौला, मौला
तेरे दर पे झुका हूँ, मिटा हूँ, बना हूँ, मरम्मत मुकद्दर की कर दो माला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो माला, दराड़े दराड़े है माथे पे माला, मरम्मत मुकद्दर की कर दो माला, मेरे माला जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया, जो भी तेरे दर आया झुकने जो सर आया, मस्तियाँ पिए सबको झूमता नजर आया, प्यास लेकर आया था दरिया वो भर लाया, प्यास लेके आया था दरिया वो दरियाया मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, या मौला या मौला या मौला मौला, मरहमत मुकद्दर की कर दो मौला मेरे मौला। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। टूटने टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, टूट के बिखरना मुझको जरूर आता है, वरना इबादत वाला शोर आता है, सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा, सजदे में रहने दो अब कहीं ना जाऊंगा, अब जो तुमने ठुकराया तो संभल न पाऊंगा, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मेरे मौला, मौला 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 मौला, दराड़े कर दो मौला मेरे मौला। किस्मत में मेरी किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा सफीना लिख दे, जन्नत तो ठिकाना है, जन्नत तो ठिकाना है मगर दुनिया में तकदीर मदीना लिख दे, मिलकर ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो, निगाहे करम हो करम ताजदारे हरम हो, करम ताजदारे हरम ताजदारे हरम हो, निगाहे करम ताजदारे हरम हो, निगाहे करम, हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां, आपके दर से खाली अगर
चले मैं कशो मदीने चले दस्ते साथी चाहता हूं हमारे यहाँ ऑडियंस जितनी भी मौजूद है अगर सब मिलकर कहे आओ मदीने चले आओ मदीने चले, पता नहीं किसका पुकारना कबूल हो जाए और उस एक की वजह से हम सब की मदीने हाजिरी हो जाए। जरा मिलकर बुलंद आवाज से अगर हाथों को बुलंद कर लें तो और भी मजा आ जाए। आओ मदीने चले 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 आओ मदीने चले। तुकरर जो अलम सब छटते गए तुकरर जो अलम सब छटते गए हसनैन के सदके बटते गए मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले। तजल्लियों की अजब है फजा मदीने में तजल्लियों की अजब है फजा मदीने में निगाह शौक की है इंतहा मदीने में गमे हयात न खौफे कजा मदीने में नमाज इश्क करेंगे अदा मदीने में इधर उधर न भटकते फिरो खुदा के लिए परागे कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई एक नजर वो नजर याद रखो अगर उठ गई एक नजर जितने खाली है सब जाम भर जाएंगे ताजदारे जब बुलावा आ जाए मैं कशो आओ आओ मदीने चले और जब बुलावा आ जाए तो सरकार की बारगाह में पहुंच कर क्या अर्ज ही करते हैं तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता तुम्हारे आस्ताने से जमाना क्या नहीं पाता कोई भी दर से खाली मांगने वाला नहीं जाता भर दो झोली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना भर दो झोली तुम जमाने के मुख्तार हो या नबी बेकसों के मददगार हो या नबी सबकी सुनते हो अपने हो या खैर हो सबकी सुनते हो अपने हो या खैर हो तुम गरीबों के मुख्तार हो या नबी भर दो झोली मेरी याजदारे मदीना भर दो झोली भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली हाँ लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली कुछ नवासों का सदका आता हो
सवारी दर पे आया हूँ बनकर सवारी हक से पाई वो शान करीमी मरहबा दोनों आलम के वाली हक से पाई वो शान करीमी मरहबा दोनों आलम के वाली हाँ मरहबा दोनों आलम के वाली उसकी किस्मत का चमका सितारा उसकी किस्मत का चमका सितारा जिस पे नजरे करम तुमने डाली जिस पे नजरे करम तुमने डाले आशिक मुस्तफा की अज़ा में अल्लाह अल्लाह कितना सर था अर्श वाले भी सुनते थे जिसको अर्श वाले भी सुनते थे जिसको क्या अज़ा थी अज़ाने अजाने बेलाले जिंदगी बख्शती बंदगी को आप रूदी ने हक की बचाली जिंदगी बख्शती बंदगी को आप रूदी ने हक की बचाली वो मोहम्मद का प्यारा नवासा सजदे में गर्दन कटाली जिसने सजदे में गर्दन कटाली हश्र में उनको देखेंगे जिस दम उम्मती ये कहेंगे खुशी से आ रहे हैं वो देखो मोहम्मद शान सबसे निराली जिनकी है शान सबसे निराली काश पूर्णम दयारे नबी में जीत जी हो बुलावा किसी दिन काश पूर्णम रोजे की जाली भर दो झोली मेरी ताजदारे मदीना जज़ाकअल्लाह सुभान अल्लाह भाई सुभान अल्लाह वाह 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 आप हजरात को सुनने के बाद दिल करता है कुछ थोड़ा सा मैं भी एक थोड़ा सा दिल वालों के लिए कुछ कलाम पढूं मेरा दिल बदल दे ओ मेरा दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे
तुम्हें डूबा दिल बदल दे। गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं इतनी आरज़ू है, बस इतनी है तमन्ना दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, हटा लूं आंख अपनी माँ सिवा से, जीऊं मैं तेरी खातिर दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पे दिल शिकस्ता, रहूं क्यों दिल शिकस्ता दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। दिले बेनूर को पुर नूर कर दे, दिले बेनूर को पुर नूर कर दे, दिले बेनूर को पुर नूर कर दे। मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरा जाहिर सवर जाए इलाही, मेरे बातिन की जुल्मत दूर कर दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मैं वहदत पिला मखमूर कर दे, वे वहदत पिला मखमूर कर दे, मोहब्बत के नशे में चूर कर दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। ओ मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे। मेरा दिल बदल दे। सुभान अल्लाह। आपको पता है मुझे क्यों इस नात से एक बड़े खास एक लगाव है मेरा? ये कलाम दुआया कलाम है। ये मैंने और आपने जब पहली मरतबा होस्टिंग की थी तब सबसे पहले हमने ये कलाम पढ़ा था। अच्छा, नहीं तो ये अभी क्यों नहीं पढ़ा आपने? अभी मैं इसको बस सुन के जरा। अच्छा, मेरे साथियों को अल्लाह खुश रखे। जब इन्होंने साथ पढ़ना शुरू किया तो उसका लुत्फ दुबाला हो गया। हाँ, सही बात। अकेले पढ़ने में वो मजा नहीं था जो इन हजरात के साथ पढ़ने में। जज़ाकअल्लाह। अल्लाह इन हजरात को खुश रखे, आबाद रखे। आमीन इंशाअल्लाह। ब्रेक ब्रेक है। आपने स्काइप करना था, कर सकते हैं। कर सकते हैं वैसे, अभी हमें हमारा बस थोड़ा कम है और हमने शाने इल्म की जाने पढ़ना है। अच्छा, इसलिए ठीक है, कल से इंशाल्लाह। एक छोटे से वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। माहे रमजान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना।